15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह शनिवार को आदर्श स्टेडियम में मनाया जाएगा। देश की आन बान और शान तिरंगा लहराने के साथ कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं इस बार कोरोना महामारी के चलते कोई बड़ा आयोजन जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा। वहीं सभी सरकारी और निजी विद्यालय, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद होने के कारण कोई आयोजन नहीं होगा। इस बार आयोजन नहीं होने के कारण बाजारों में मंदी का माहौल है। बाजारों में सजी धजी राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे, पोस्टर, स्टीकर, रिबिन की दुकानों पर पूर्ण रूप से सन्नाटा पसरा। कोरोना काल में बाड़मेर के बाजारों में व्यापारिक मंदी का दौर लगातार जारी है। धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्वों को लेकर गुलजार रहने वाले बाजारों में इन दिनों व्यापारी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व शुक्रवार को बाड़मेर में स्टेशनरी की दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज, रिबिन, तिरंगा, टोपी, बैज एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर तिरंगे साफे एवं विभिन्न प्रकार की सामग्री सजी हुई नजर आई, लेकिन बाजारों में कोई खास चहल पहल या खरीदारी देखने को नहीं मिली, जिससे व्यापारी हताश नजर आए। व्यापारियों के अनुसार कोरोना काल के चलते विभिन्न व्यापार ठप होने की कगार पर है। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व बाड़मेर में लाखों रुपये की सामग्री विक्रय होती है और लोगों में काफी उत्साह नजर आता है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार सरकारी एवं निजी स्कूलों के बंद होने के चलते 90% व्यापार प्रभावित हुआ है और उनके द्वारा मंगवाया गया स्टॉक ज्यों का त्यों पड़ा है। तो इस साल 15 अगस्त हर्षोल्लास से मना जाता है, स्कूल में सब ऑफिस खुली थी, इसलिए सब ये हाथ के रिटर्न झंडे वंदे तिरंगे काफ़ी बिक जाते थे। इस बार तो कोरोना की महामारी के कारण स्कूल बंद है, सब बंद है, बच्चे भी स्कूल जा नहीं रहे, इसलिए बिक्री बहुत कम नहीं के बराबर है। मतलब कितना माल पहले निकलता है, अभी आज एक दिन पहले क्या कंडीशन है? आज तो बिल्कुल निक में बैठे, बाकी इससे पहले तो कभी मैंने फुर्सत ही नहीं मिलती थी, अब तो एकदम निक में बैठे, कोई नहीं आ रहा। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व बाड़मेर के बाजारों में स्कूली बच्चों समेत निजी एवं सरकारी स्कूलों एवं संस्थानों में ध्वजारोहण को लेकर कई साजो सामान के साथ अन्य सामग्री की जमकर खरीदारी होती है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते शैक्षणिक संस्थानों समेत अन्य संस्थानों के बंद होने के चलते बाड़मेर के बाजार से रौनक गायब रही और बाड़मेर के बाजारों में व्यापारी मायूस नजर आए।